अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमारा लेक्चर कहाँ स्किप हो गया था? लास्ट लेक्चर हमने कहाँ तक कर लिया था? काफ गाफ तक, ठीक है। काफ गाफ के बाद नेक्स्ट हरूफ हमारा आ जाता है लाम। नेक्स्ट हरूफ हमारा क्या आता है? लाम। लाम के लिए अब आपने कितनी लाइंस यूज़ करनी है? फर्स्ट थ्री लाइंस यूज़ करनी है। कितनी लाइंस यूज़ करनी है? फर्स्ट थ्री लाइंस, ओके। जिस तरह आपने काफ गाफ बनाया था, काफ गाफ की शक्ल, वैसे ही आपने लाम की छोटी शक्ल बनानी, ठीक है। इसके लिए आपने कितनी लाइंस यूज़ करनी है? थ्री लाइंस। इसके लिए भी सबसे पहले स्ट्रेट लाइन, ओके। देन आपने इसको साइड से क्या करना है? कर्व कर देना है, ओके। इसमें हम कोई स्टिक वगैरह नहीं डालेंगे क्योंकि ये हम लाम बना रहे हैं, ठीक है। ये किसकी छोटी शक्ल है? लाम की। किसकी छोटी शक्ल है ये? लाम की, ठीक है। लाम के बाद नेक्स्ट हरूफ हमारा आ जाता है मीम। मीम के लिए अब आपने क्या करना है? मीम आपने सेंटर की टू लाइंस में बनाना है। मीम आपने सेंटर की टू लाइंस में बनाना है, ठीक है। मीम के लिए हम सबसे पहले बनाएंगे एक सर्कल की शेप, ठीक है। मीम के लिए क्या करेंगे? एक सर्कल की शेप बनाएंगे, ठीक है। देन आपने ऊपर से क्या करना है? स्लैंडिंग लाइन लगानी है, ठीक है। स्लैंडिंग लाइन लगानी है और उसको साइड से आपने क्या करना है? कर्व कर देना है, ठीक है। ये किसकी छोटी शक्ल बन गई? मीम की। किसकी छोटी शक्ल है ये? मीम की, ओके। मीम के बाद नेक्स्ट हरूफ हमारा आ जाता है नून, ठीक है। नून आपने सेम वैसे लिखना है जिस तरह आपने बे पे ते टे से लिखा था, ठीक है। इसके लिए भी आपने सबसे पहले क्या करना है? नून की आपने इस तरह छोटी शक्ल बनानी। पहले आपने क्या करना है? उसकी थोड़ी सी शेप देनी है, ठीक है, नून की। देन आपने क्या करना है? इसके बाद स्ट्रेट लाइन, ओके। स्ट्रेट लाइन लगाने के बाद ही हमने क्या कर दिया? इसके ऊपर एक नुक्ता डाल दिया। ये हमारा क्या बन गया? नून। ये हमारा क्या है? नून, ठीक है। लाम मीम नून। नून के बाद नेक्स्ट हरूफ हमारा आता है वाओ। नेक्स्ट हरूफ हमारा आता है वाओ, ठीक है। वाओ आपने टू लाइन से बनाना है, ठीक है। इसके लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे? इसके लिए आपने क्या करना है? सबसे पहले अपनी छोटी सी लाइन बाहर निकाली, स्लैंडिंग लाइन जिसे कहते हैं, ठीक है। देन आपने इसके साथ क्या करना है? फेस बना के आपने सेमी सर्कल साथ बना देना है, ठीक है। ये हमारा क्या बन जाएगा? वाओ। वाओ की छोटी शक्ल है, ठीक है। वाओ की छोटी शक्ल में हम स्लैंडिंग लाइन छोटी सी बाहर निकालते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या बन जाएगा? वाओ। वाओ के बाद नेक्स्ट हरूफ हमारा आता है हे। नेक्स्ट हरूफ हमारा क्या आता है? हे। आपने जिस तरह अभी नूर बनाया था सेम आपने वैसे ही बनाना है। हे, हे आपने पहले स्ट्रेट लाइन और साइड से कर्व करना है, फिर आपने क्या करना है? स्ट्रेट लाइन डालनी है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन डालनी है, देन आपने क्या करना है? छोटे से आपने सेमी सर्कल की शेप दे देनी है। ये हमारा क्या बन जाएगा? हे। ये हमारा क्या है? हे। हे के बाद नेक्स्ट हरूफ हमारा आता है हमज़ा। नेक्स्ट हरूफ हमारा क्या आता है? हमज़ा। हमज़ा के लिए भी आपने सबसे पहले क्या करना है? स्ट्रेट लाइन, देन आपने इसको साइड से क्या करना है? कर्व कर देना है, जिस या आप स्लीपिंग लाइन भी इसे कह सकते हैं, ठीक है। देन आपने क्या करना है? स्ट्रेट लाइन डालनी है और उसके ऊपर छोटा सा हमज़ा बनाना है। ये हमारे किसकी छोटी शक्ल बन जाएगी? हमज़ा की। किसकी? हमज़ा की। हमज़ा के बाद नेक्स्ट हरूफ हमारा आता है छोटी ये और बड़ी ये। छोटी ये और बड़ी ये के लिए हमने क्या यूज़ करना है? एक ही छोटी शक्ल यूज़ करनी है, ठीक है। दोनों की सेम छोटी शक्ल होती है, ठीक है। इसलिए हम टू टाइम्स नहीं लिखेंगे, जस्ट वन टाइम लिखेंगे, ओके। क्या आता है? जिस तरह आपने हे हमज़ा बनाया वैसे ही शेप बनेगी, लेकिन इसके नीचे कितने नुक्ते होंगे? दो नुक्ते, और ये भी सेंटर की टू लाइंस में बनना है, ओके। इसके लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे? स्ट्रेट लाइन, देन स्लिपिंग लाइन, एंड देन अगेन ज्वाइन दी स्ट्रेट लाइन, एंड आपने क्या करना है? नीचे दो नुक्ते डालने। ये हमारा क्या बन जाएगा? ये। ये हमारा क्या बन जाएगा? ये। लाम मीम नून वाव हे हमज़ा ये, ठीक है। अब आपने इसके घर में सारे हरूफ मैंने आपको बता दिया, हरूफ तज्जी की छोटी शक्ल किस तरह लिखते हैं। अब आपने इन सारे हरूफ तज्जी की छोटी शक्ल की आपने घर में क्या करनी है? प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, ओके।